सभी उम्मीदवार के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आने वाले 100 दिनों में क्या काम करेंगे इसकी चर्चा उन्होंने मीडिया के सब सदस्यों के द्वारा, मीडिया के हमारे भाइयों के द्वारा दिल्ली के जनता तक पिछले 10 सालों से केंद्र के अंदर शासन कर रही है वो बजाय ये बताने के कि पिछले 10 सालों में उनके सांसदों ने दिल्ली के लिए क्या योगदान दिया, वो आने वाले 100 दिन की योजनाएं बताने में ध्यान दे रहे हैं। आप सब लोगों को ये ध्यान में होगा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2-3 महीनों से लगातार प्रतिज्ञा रैली के माध्यम से हमने हर संसदीय क्षेत्र के अंदर जो है हमने लोगों को टच किया और उस प्रतिज्ञा रैली में हमने बार बार ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिल्ली के लोगों की सुध नहीं ले रहे और जब चुनाव आएगा तो ये अपने उम्मीदवारों को बदल के फिर से दिल्ली के लोगों को फैलाने की फुसलाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के सामने ये साफ है कि 7 में से 6 उम्मीदवार इन्होंने बदल दिए और 7वां भी इतने से ही बचा है। बदलते बदलते ही पता नहीं किसी बाबा को पकड़ लिया या क्या हुआ, 7वां भी इतना सा ही बचा है। कोई इस वजह से नहीं बचा कि उसने कोई काम किया हो या कोई योगदान दिया हो। हम लोग आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसदों के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक चार्जशीट, दिल्ली की कांग्रेस 7 चार्जशीट जो है वो आप लोगों के माध्यम से और दिल्ली के लोगों के बीच में लेके जाएगी कि क्या उनका कार्यकलाप पिछले 10 सालों के अंदर था। आज हम कुछ बिंदुओं को केवल आप लोगों के सामने टच कर रहे हैं। मैं हारून यूसुफ साहब, चंद्र सिंह जी यहां पे हैं, हमारे जीतू जी, अनुज अत्रे जी, हमारे उस्मान भाई, हरिकिशन जिंदल जी, सब लोग हम यहां पे हैं। मैं और हारून साहब कुछ कुछ इश्यूज को आज जो है टच करेंगे। मैं प्रेस वालों से ये उम्मीद करना चाहता हूं कि अब जब चुनाव डिक्लेयर हो गया है तो मैं समझता हूं कि आप लोग भी दिल्ली को बखूबी जानते हो। कल की जो प्रेस रिलीज भारतीय जनता पार्टी की थी वो कोरी की कोरी झूठ के अलावा कुछ थी नहीं। मैं उसके विभिन्न पहलुओं पे जो है आप लोगों का गौर करवाना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वाइज भी जो है बात करना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में जैसे केंद्रीय अस्पताल है वैसे ही अस्पताल सभी क्षेत्रों में खुलवाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। यानी कि पिछले 10 साल के शासन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी प्रयास करने का वायदा कर रही है। मैं प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जिन नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय अस्पताल तक होने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है उनमें से कौन सा अस्पताल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोला है उसका भी जिक्र दिल्ली के लोगों को करना चाहिए। कोविड के समय अनेकों घोषणाओं के बाद भी, कोविड बीत जाने के 3 साल बाद भी एक नया अस्पताल सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली के अंदर खोलने की कोई योजना नहीं बनाई और आज भी प्रयास की बात कर रहे हैं। यमुना सफाई के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, आप लोग सब भलीभांति जानते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में
अलग अलग लोगों ने अलग अलग मांग अपनी रखी। मैं साउथ दिल्ली से शुरू करना चाहूंगा। साउथ दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, मेरे उनसे निजी संबंध बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो हमारे दल में भी, अनेकों दल में हम लोग विधानसभा में भी इकट्ठे साथी रहे, तो मेरे निजी रिश्ते उनसे अच्छे हैं। तो जब मैं स्कूल कॉलेज जाता था, तब से मैं उनको राजनीति करते हुए देखना। तो जब मैं स्कूल जाता था, वो तब भी वही काम करने का वायदा करते थे जब जो आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, अब मेरे बच्चे भी स्कूल से बाहर चले गए हैं, वो तब भी वही वादे कर रहे थे और आज भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार बनने के बाद भी वही वादे कर रहे हैं कि 69 अनथराइज कॉलेजेस को मालिकाना हक मिलेगा, लाल डोरा की एक्सटेंडेड आबादी को हम जो है नियमित करेंगे। मैं बचपन से उनको यही बात करते हुए देखता आ रहा हूं। ओजोन की कॉलोनीज को रेगुलराइज करेंगे, ये मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं।